हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5 और अभी मैं बस थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ। तो आज हम लोग मॉर्निंग वर्कआउट करेंगे। स्पेशली मैं अभी पार्क जा रहा हूँ क्योंकि बहुत भाइयों का मैसेज आता है कि अगर कोई इंसान जिम नहीं जा रहा है, टाइम नहीं उन्हें मिल पा रहा, तो ऐसे वो नॉर्मली अपने आप को फिट कैसे रखता रख सकता है विदाउट गोइंग टू जिम। तो मैं अभी जाऊंगा पार्क, तो मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा, रनिंग वगैरह, जॉगिंग वगैरह, या फिर सिंपल एक्सरसाइज वगैरह जो आप घर पे भी रह के कर सकते हो, या फिर कहीं पार्क वार्क आपके बगल में है, या फिर आप नॉर्मली जॉगिंग कर सकते हो। तो मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, बने रहे। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं पार्क में। तो हम लोग निकल चुके हैं रूम से। काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा है मुझे, आप देख सकते हैं कनाल का व्यू। तो अभी यहाँ से पार्क ऑलमोस्ट 300 to 400 meters है, तो बहुत ठंड लग रहा है। बट वहाँ पहुँचने के साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि मुझे भूख बहुत कस के लगी है। तो पहले मैं कुछ खाऊंगा, फिर आपसे मिलता हूँ। सो बहुत कस के भूख लगी थी, सारी दुकान क्लोज थी, बट स्टिल हमें समोसा मिला। आप मत समोसा खाना, ये डाइट हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, बट कोई नहीं यार, मजबूरी में खाना पड़ रहा, इसे बुक्कर को देखो। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। समोसे मैंने खा लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना, बॉडी को लाइक स्ट्रेच खोलने के लिए, ओपन करने के लिए रनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप कभी भी मॉर्निंग वर्कआउट करो तो सबसे पहले स्टार्टिंग, आप कहीं भी जा रहे हो पर्टिकुलर प्लेस पे, तो रनिंग से स्टार्ट करो। तो मैं अभी यहाँ से रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ पार्क तक। सो लेट्स गो। पार्क पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं व्यू, अभी जस्ट पहुँचे हैं। थोड़ा सा रनिंग कर रहे थे इस वजह से थोड़ा लाइक हैपी है, बट कोई नहीं, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कोई एक पार्टिकुलर प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर लाइक फ्री मिले जगह। सो आइए अब डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो। चल, सो हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ का आप थोड़ा सा नोट करना कि जब भी आप रनिंग करो 1 kilometer 2 kilometer, तो आपका रनिंग थोड़ा इंटेंस रहना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले या जो भी बेसिक स्टार्ट करने से पहले आपका जो रनिंग है वो थोड़ा इंटेंस रहना चाहिए, ताकि आपका बॉडी पूरी तरह से ओपन हो जाए। तो आफ्टर रनिंग जब आप पार्क पहुंच जाओ या कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जहां आप जा रहे हो वहां पहुंच जाओ, तो कुछ मैं बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि एक्सरसाइज से पहले इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग के लिए। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज विल बी अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा रहेगा पुल अप। तो लेट्स सी हाउ टू डू पुल अप। यहाँ पर स्ट्रेट रॉड नहीं है, तो मुझे इसका यूज करना। ये हमारी पुशअप। तो जो भी लोग हैं जो जिनसे पुशअप या पुल अप्स नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट आप स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, रिपीटेशन नहीं होगी, बट आप कंटिन्यूसली धीरे धीरे करेंगे तो आप इसे फिर आप अपना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पुल अप्स में प्रॉब्लम हो तो हेल्प ले लें, पुशअप्स में प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर थोड़ा सा डर्टी है, बट स्टिल मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा लाइक नॉर्मल। आपको अगर पुशअप लगाने में प्रॉब्लम होती है तो ये जो आपका लेग का पोर्शन है ये आप नीचे रख के ऐसे, मैं बता ही देता हूँ कोई नहीं आप लोग, ये ऐसे नीचे रख के आप यहाँ से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा देन आप नॉर्मल पुशअप लगा सकते हो। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अब हम आपको मेनली पेट स्टमक का एक्सरसाइज बताएंगे, जो लोगों का लाइक टमी बाहर आ जाता है, स्पेशली लोग इसीलिए मॉर्निंग एक्सरसाइज करने आते हैं। तो मैं कुछ एक्सरसाइज टमी के लिए बताऊंगा। सो फर्स्ट वन विल बी आप यहाँ पे हैंड को रखें, तो ये आप एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक करें, 20 से 30 सेकेंड्स तक, एंड 3 to 4 times रिपीट करें। बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। सो योर सेकेंड एक्सरसाइज विल बी ये थी आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। ये भी आप 30 टू 40 सेकेंड्स के लिए 3 repetition आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एडवांस एक्सरसाइज बताएंगे जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा।
नाउ आपको करना क्या, कोई भी एक पार्टिकुलर पॉइंट एक ले लो। फॉर एग्जांपल मैं इस सिंपली एक लाइन बना लेता हूँ, ये मेरा पार्टिकुलर पॉइंट है एंड ये आपका लास्ट एंडिंग पॉइंट। तो आपको अपने आप को चैलेंज करना है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट से टिल द लास्ट एंड आपको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक रनिंग करना है, आपको वहाँ टच करके देन अगेन यू हैव टू कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट देन अगेन एट द एंड पॉइंट। सो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये थी आपकी, ये थी थोड़ी, इससे होगा क्या कि एक तो आप अपने आप को चैलेंज कर पाओगे, ये थोड़ा करने में भी अच्छा लगता है जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली फैट बर्न करने में हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट मैं आपको और भी फैट टमिक एक्सरसाइज बताता हूँ। सो लेट्स कम। सो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, ये भी हमारे मेनली स्टमक के लिए, एप्स के लिए। तो आप किसी भी पोजीशन पे ऐसे हैंड को होल्ड कर लेना, एक प्रॉपर योर शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट एंड तो ये आप, ये भी आपको 20 से 30 सेकेंड्स आप टाइम लेकर चलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 20 से 30 सेकेंड्स आप 3-4 रिपीटेशन कर लेना, ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो मैं लास्ट एक्सरसाइज करूँगा, ये भी हमारे टमी के लिए। तो इसमें आप सॉरी पार्क में मैट्स वगैरह नहीं है, इस वजह से मैं लाई डाउन नीचे नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको इस पर बता देता हूँ। तो आपको करना क्या, कोई भी एक पोजिशन जो कि क्लीन है उस पर आपको लाई डाउन हो जाना स्ट्रेट स्ट्रेट। अब आपका फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगा आपका लेग स्ट्रेट, पूरा बॉडी स्ट्रेट। आपको एक होल्ड करके पोजिशन पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये आपको 10-12 रेपिटेशन 3-4 टाइम्स करना, ये आपके लोअर एब्स के लिए, लाइक लोअर स्टमक के लिए। तो इसी तरह से इन द सेम वे एक और एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको लाइक नॉर्मली ऐसे रहना, आपको नीचे पूरा स्ट्रेट एंड देन योर हैंड शुड बी हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये भी आपको 10-12 रिपीटेशन 3-4 टाइम्स करना है, स्पेशली जो मैं अभी बताया बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो ये थे कुछ बेसिक फिटनेस एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग जिम नहीं जाते हैं और जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं जिन्हें फिट रहना अच्छा लगता है, तो आप पार्क में मॉर्निंग में, लोग ठंड में नहीं उठ पाते हैं नहीं आ पाते हैं, बट प्लीज़ अगर आपको फिट रहना है तो आप आएँ, ये सब एक्सरसाइज परफॉर्म करें। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, और कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई लव यू ऑल।